खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 28 जुलाई है और दिन है गुरुवार। कल थोड़ी सी गिरावट सरसों में देखने को मिली थी, थोड़ी सी, और आज लगभग उसको कवर कर लिया गया है। बहुत बड़ा सुधार अभी भी नहीं हुआ है, लेकिन एक चाल बनती हुई दिखाई दे रही है कि सरसों अब सुधार की तरफ चल सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी आज बहुत बड़ी मजबूती मिली है खाद्य तेलों के बाजार को। सोया तेल, पाम तेल और बिनोला तेल, ये बहुत ज़बरदस्त तेज हो रहे हैं और इसका फ़ायदा सरसों को भी मिला। और सरसों के बाज़ार में आज एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली, अच्छी तेज़ी नहीं कह सकते लेकिन अच्छा सुधार देखने को मिला है ये कहना चाहिए। और आज से आगे धीरे धीरे सरसों के तेल की मांग बढ़ेगी और सरसों के तेल की मांग बढ़ने से बाज़ार जो है वो थोड़ा और सुधार की तरफ चलता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए अभी हमें एक हफ्ता तक, 10 दिन तक ये इंतज़ार करना चाहिए कि सरसों का बाज़ार अब और कितने दिन तक आगे इसी दिशा में, एक ही दिशा में चलता रहे तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो आएगा, लेकिन कुल मिलाकर के बाज़ार तेजी की तरफ रहने की प्रबल संभावना है। आज भरतपुर का बाज़ार केवल 27 रुपये सुधार की तरफ बढ़ा है, जयपुर 50 रुपये सुधार हुआ है, ग्वालियर और ये जो आपका सुमेरपुर है इनमें 100-100 रुपये का सुधार हुआ है, जबकि धौलपुर मंडी के अंदर अच्छा सुधार देखने को मिला है, वहाँ 6200-6300 रुपये का भाव रहता है, आज वहाँ 6450 रुपये तक का भाव है। और भी कई ऐसी मंडियाँ हैं जहाँ 100 रुपये से अधिक का भी सुधार देखने को मिला है, केवल और केवल खाद्य तेल की मांग निकलने से और सरसों की उपलब्धता आगे आगे कम रहने से सरसों के बाज़ार में ठीक ठाक सुधार बनता हुआ दिखाई दे सकता है। मुझे लगता है कि जो नुकसान हुआ है पिछले 10-12-15 दिनों के अंदर, उसकी रिकवरी भी होने में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। भरतपुर का भाव है आज 6402 रुपये, जयपुर 6875 रुपये, सलोनी 7300 रुपये, हापुड़, आज सलोनी ने भी 50 रुपये की बढ़ोतरी की है, हापुड़ 7050 रुपये, ये भी 42% का भाव है, अलवर 6500 रुपये, मुरैना 6200 रुपये, पदमपुर 6181 रुपये। क्षमा करें, आपने शायद इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप हमारा डेली बुलेटिन जो एक सुबह व्हाट्सएप पे हम अपडेट अखबार के रूप में देते हैं, आप उसकी सदस्यता भी ले सकते हैं। पदमपुर 6181, गंगानगर 6231, अबोहर 6195, खेरली 6492, गंगापुर 6585, सिरसा 6001, खैरथल 6450, ग्वालियर 6400, नागौर 6402, धौलपुर 6450, निवई 6800, केकड़ी मंडी 6525, सुमेरपुर 6700, रायसिंह नगर 6055, एलनाबाद 6225। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।